तो कुल मिला के आई मेस्ड अप अ बिग टाइम। क्या हो रहा है? तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि पार्टी में आ गए पूरे मजे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। मेरा नाम है दीपांशु, आप देख रहे हैं अनपॉपुलर एक्सप्लोरर और मैं फिलहाल खड़ा हूँ बाली इंडोनेशिया में। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं एक बीच पे आया हूँ जिसका नाम है पेटिटन गेट बीच। मेरे को शायद प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं आती बट मैं नाम लिख दूंगा। तो माहौल बहुत सही है, मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकल रही, हल्की हल्की धूप है और बीच पे काफ़ी लोग हैं। लोग रनिंग कर रहे हैं, लोग पानी में खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है। और आज का हमारा जो प्लान है वो है कि हम एक आइलैंड पे जाएंगे जिसका नाम है गिली टी। बट फिलहाल आप इस बीच के नज़ारे लीजिए। पानी में काफी करंट है तो बहुत तेज लहरों की आवाज आ रही है और लहर भी काफी ऊंची उठ रही है, तो देख के बहुत आनंद आ रहा है। दोस्तों हम बिल्कुल तैयार हैं और कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो मैं कुछ लाया हूँ, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये फ्राइड पोटैटो है, थोड़ी वेजिटेबल्स, ये फ्राइड कॉलीफ्लावर और ब्रेड। मानसी खा रही है वाटरमेलन और ऑर्डर किया है ऑमलेट। जैसा कि आपको पता है मैं सिर्फ वेज खाता हूँ तो मैं वेज लाया हूँ। बाकी मैं खाना खा के आपको ये पूरा दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। दोस्तों मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस होते हैं एक बाली के होटल में। तो यहाँ पे ये सैलड पॉइंट टाइप से है, यहाँ पे आप अलग अलग वेजिटेबल्स से सैलड बना सकते हैं। अनियन कैप, टोमेटो, क्यूकम्बर, गाजर और ये बीन्स, स्वीट कॉर्न है, ये मुझे पता नहीं है वेज है या नॉन वेज, बट कुछ स्ट्रॉबेरी बेस्ड कोई पुडिंग या कुछ लग रहा है। ये आप सॉसेस डाल सकते हैं, सैंडविच है बट इसमें एग है, ये आई एम नॉट श्योर वेज है या नॉन वेज। हमने फ्रूट्स लिए थे तो वाटरमेलन और मस्क मेलन ऑप्शन है, बट यू कैन गो फॉर कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क। देन वी हैव पैनकेक्स, आई एम श्योर इसमें एग वेग होता होगा। और यहाँ पे ऑमलेट है, हिमांशी ने ऑमलेट बनवाई थी और वो सही था टेस्ट उसका। काफ़ी ऑप्शन है कपकेक्स और केक्स के। बेकरी का भी काफ़ी प्रोडक्ट है, यू हैव क्रोसोस एंड देन यू हैव सम सिनेमन रोल टाइप के कोई रोल हैं, ब्रेड्स हैं, यू हैव बटर, कैरामल सॉस, जैम्स। उसके बाद यहाँ पे रोस्टेड चिकन आ जाता है और ये आ जाती है फिश स्वीट एंड सार, ये है फ्राइड कॉलीफ्लावर जो मैंने लिया था और टेस्ट में ठीक है। ये स्प्रिंग रोल, आई एम नॉट श्योर इसके अंदर क्या फिलिंग है, हो सकती है नॉन वेजिटेरियन है। ये वेजिटेबल करी थी जिसका टेस्ट बहुत ही बेकार है क्योंकि ये आई थिंक फिश ऑयल में बनी हुई है। वेजिटेबल सूप है, अगेन डाउट है कि ये सिर्फ वेजिटेबल है। ये बेक्ड रोस्टेड पोटैटोज हैं जो काफ़ी अच्छे थे। ये फ्राइड राइस हैं जो हमने कल मंगाए थे और हमें इतने अच्छे लगे नहीं थे। बाकी ये चिप्स हैं जो आप ले सकते हैं। दोस्तों थोड़ी ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी है, हमारा प्लानर ही बेकार है। प्लानर की थोड़ी सी भूल हो गई है। कल से हो रही है भाई। जहाँ हमारा होटल है वहाँ से जो पोर्ट है जहाँ से हमें गिली टी की फेरी लेनी थी वो जगह थी लगभग 1.5 घंटा दूर। जब मैंने बुक की थी मैंने देखा था लगभग 1 घंटा दूर है,
तो हमारी फेरी 9:30 की थी, हम लोग अपने होटल से निकले लगभग 8:15 पर। जब हम ग्रैब में बैठे तो हमने देखा गूगल मैप, जब हम निकले तो हमने देखा गूगल मैप दिखा रहा था 1.5 घंटा, तो ये दिखा रहा है कि 10:08 पे हम वहाँ पहुँचेंगे और फेरी निकलेगी 9:30। तो अब जो हमारी ग्रैब इनकी कैब है वो हमारी मदद कर रही हैं कि कुछ ना कुछ करके रीशेड्यूल हो जाए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारी बुकिंग तो है ही, तो हम अभी जा तो पोर्ट की तरफ ही रहे हैं। बाकी दीदी ने बात की है और दीदी ने बताया कि मिल जाएगी फेरी, उम्मीद रखो दोपहर तक तो मिल ही जाएगी, तो बस इसी उम्मीद में कल तक तो मिल ही जाएगी। हाँ, चेकआउट टाइम से पहले पहुंच जाएंगे हम, तो बस इसी उम्मीद में हम पोर्ट की ओर जा रहे हैं। जो टाइम 10:15 दिखा रहा था गूगल मैप, अब वो बढ़ते बढ़ते 10:34 हो गया है। तो ये गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि जब मैंने मैप पे देखा था तो उस टाइम इंडिया में शायद रात हो रही थी और यहाँ बिल्कुल ही रात हो रही थी, रोड खाली थे, गूगल मैप ने इसलिए 1 घंटा दिखाया। और अब फुल ट्रैफिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्कूटर्स ही स्कूटर्स हैं, क्योंकि ये है लोगों का ऑफिस जाने का, कॉलेज जाने का, अपने अपने काम पे जाने का समय, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। आप इससे शिक्षा लें और आप लगभग 1.5 से 1.25 घंटे का गैप लेके चले अगर आप अपनी ट्रिप खुद ही प्लान कर रहे हैं जैसे हमने किया। हम लोग जो हमारा पोर्ट पर जिसके थ्रू हमने बुक की थी वहाँ पे हम पहुँच गए थे लगभग 10:40, जो हमारी फेरी का टाइम था उसके 1 घंटे और 10 मिनट के बाद। तो हमने वहाँ के बात की कि भाई हम लेट हो गए हैं, अब क्या हो सकता है। तो उसने कहा है कि एक फेरी जा रही है 1:30 बजे, 1:30 बजे भी नहीं, 2 बजे कि एक स्पीड बोट जाएगी 2 बजे, उसमें 2 सीट्स अवेलेबल हैं और बाकी 2 के लिए हमें कैप्टन से बात करनी पड़ेगी। अगर कोई नो शो होता है तो हमें उसकी जगह एडजस्ट कर दिया जाएगा, अगर नो शो नहीं होता तो 2 लोगों की तो सीट है ही, बाकी 2 के लिए कैप्टन से बात करेंगे कि कैप्टन हमें एडजस्ट कर ले और फिर हम 4 लोग चले जाएंगे। लगभग 1.5 से 2 घंटे की बोट राइड होगी। तो हम पोर्ट के पास ही एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं जिसका नाम है ओजोन, और फिलहाल कुछ ऐसा माहौल है, थोड़ा मैं ड्रोन से डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, सुबह पहले एक एक बियर चल रही है, लाली पी रही है फैंटा, ये लस्सी है मिक्स फ्रूट लस्सी, भाई का नामो निशान नहीं लग रहा। हाँ जी, और फ्रेंच फ्राइज है और बर्गर है, ये शायद चिकन बर्गर है नहीं, तो वेज बर्गर, तो वह मैं थो भी ना लिस्ट में। तो ये दोस्तों वेज बर्गर है, बाकी कुछ ऐसी जगह है ये। ठीक ठाक जगह है, बीच काफी पास है पर धूप है और एज यू कैन सी पसीना भी आ रहा है, तो हम बीच पे गए नहीं। अब जो समय है वो है 12, तो लगभग हमें 1.5-2 घंटे यहाँ पे बैठ के काटने हैं। दोस्तों फाइनली वी आर ऑन द स्पीड बोट टू गिलिटी। तो हमें 2 बजे स्पीड बोट मिल गई और जिस कंपनी से हमने बुक की थी उसने हमसे एक्स्ट्रा 1 रुपये भी नहीं लिया और हमारी सुबह वाली बुकिंग में ही हमें गिलिटी जाने दिया। बाकी मजे से आ रहे हैं यहाँ, फुल जीवन का आनंद आ रहा है, मुँह पे पानी की छींटे लग रही हैं, नमकीन पानी है पर रिफ्रेशिंग है, और जैसा कि आप देख सकते हो फुल आनंद उठे जा रहे हैं। एक टिप पे देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप बाली से गिरिडीह जा रहे हो तो आप ऑनलाइन बुकिंग करना। हमने 12 गो एशिया से बुकिंग की थी, हमने 4 लोगों के लिए लगभग 5,500 रुपए
और अभी हमें बोट पे दो लोग मिले हैं, वो भी इंडियंस हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग 6,500 रुपए दिए हैं दो लोगों के। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, 4 लोगों के कहाँ 5,500 रुपए, कहाँ 2 लोगों के 6,500 रुपए। दोस्तों कुछ ऐसे मजे ले रहे हैं हम गिली टी आइलैंड पर। ये है टेंडम बाइक जिसके हमने दिए 1.5 लाख रुपया जो बनते हैं लगभग 750 इंडियन रुपीस। नॉर्मल साइकिल के आपको लगभग देने पड़ते हैं 50,000 जो बनते हैं 250। तो दो लेते तो हमें 500 देने पड़ते, बट हिमांशु को साइकिल चलानी आती नहीं है इसलिए हमने टेंडम बाइक ली है। बाकी हमारे दोस्तों ने ली है इलेक्ट्रिक स्कूटी, आई थिंक जिसके उन्होंने शायद पे करे हैं 1,250 रुपये। तो आई थिंक वो होटल में पहुंच चुके हैं, हम होटल में बस पहुंचने वाले हैं। दोस्तों गिली टी में हम अपने होटल में आ गए हैं, इसका नाम है फ्री रिजॉर्ट। इसके हमने एक रूम के दिए हैं 3,300 रुपये जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। ये है हमारी धर्मपत्नी जो पी रही है गर्मा गर्म कॉफ़ी, और ये है हमारा रूम जिसका नाम है 506। यहाँ पे इस टाइप के और रूम्स हैं, और ये कुछ ऐसा रिजॉर्ट है। ये रूम है हमारे दोस्तों का जिसका नंबर है 424। ये है इनका बाथरूम जिसमें ऊपर कुछ भी नहीं है, और शावर वाला एरिया है ये जो बिल्कुल ही ओपन है। प्लस यहाँ पे थोड़ी सी गैलरी है जो रूम से एक्सेस हो सकती है। ये बढ़िया लकड़ी का बना हुआ है पूरा सिस्टम, ऊपर आप छत भी देख सकते हैं। तो काफी अलग स्टाइल का कमरा है ये, और ये इसका पीछे का हिस्सा है जो खुल गया है। और ये कुछ ऐसा है, यहाँ से जैसा मैंने बताया बाथरूम में आप ताका झांकी कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं छोटे लाल की कोठी नंबर 506 पे। तो हमारी कोठी में घुसते ही चेयर है और टेबल है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे ऐसे बाहर बैठ के और हरी भरी पत्ती और अपनी गुलाबी लत्ते पहरी हुई बीवी को देखते हुए चाय की चुस्कियां ले सकते हैं। अंदर चलते हैं तो हम पर्दों से निकलते हुए घुसते हैं हमारे रूम में जिसमें सिमिलर टाइप का फर्नीचर है। यही एक छोटा सा सोफा है, एक किंग साइज बेड है, फ्रिज है जिसमें कुछ भी नहीं है, फोन है जिससे पता नहीं हम कहाँ मिलाएंगे, और ये सब बेसिक चीजें हैं। यहाँ थोड़ा सामान रखने के लिए ओपन अलमीरा दी गई है, और ये है हमारा बाथरूम जो उनके बाथरूम से थोड़ा हल्का है, पर इसमें भी आप देखोगे तो ये ओपन है। यहाँ पे है शावर एरिया, ये है बेसिन, और ये है पॉट। तो ओवरऑल 3,300 रुपये में आई एम नॉट श्योर कि फ्री के मतलब ये गिली के हिसाब से कैसी चीज है, बट 3,300 रुपये में इट्स अ वेरी वेरी गुड डील जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। और जो ब्रेकफास्ट की लोकेशन है वो बिल्कुल ओपन में है, बीच के बिल्कुल साथ, जो आप कल वाली वीडियो में देखेंगे। Oh,
तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि पार्टी में आ गए पूरे मजे। अब हम चले हैं, रात को लगभग 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं और हम गिली टी को एक्सप्लोर करने चले हैं। ये हमारे दोस्तों की और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल साइकिल्स या टांगा चलता है। तो टांगे वाले ने हमसे होटल तक छोड़ने के 1500 रुपए मांगे थे और सिर्फ हमारा होटल 1.5 से 2 किलोमीटर था, इसलिए हमने साइकिल ली है रेंट पे और इन्होंने रेंट पे लिया है स्कूटर। पानी, यू हैव पानी? वाटर? हाँ तो जी, आप जहाँ भी देखोगे इस आइलैंड पे आपको मिलेंगी साइकिल्स ही साइकिल्स। मोस्टली आई विल से 80% लोग साइकिल्स ही यूज करते हैं, या फिर जैसे हमारी ये है, ये इसको इसका कुछ नाम था मैं भूल गया, या फिर ये कैसा एक्सपीरियंस है भाई साहब आपका ये गाड़ी चला के? इसकी चाबी दिखाओगे आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, ऑटोमेटिक सिस्टम, लॉक, अनलॉक, ये नहीं पता किसकी है, ये भी नहीं पता किसकी है, अनलॉक, देन इंसर्ट द की, और ये आगे टोकरी भी मिलती है आपको। दोस्तों हमारी राइड अपग्रेड हो गई है, अब ये गरीब आ गए हैं इस दो इंजन की सरकार में और हम आ गए हैं इस मोटर वाली गाड़ी में। दोस्तों 11 बज रहे हैं, बीच के किनारे बैठे हैं। एक बढ़िया चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पर उससे पहले देखिए ये हमारा है पिज्जा जिसका हम डिनर कर रहे हैं। रात के 11 बजे हमारी लुगाई पी रही है कैपुचिनो, अब पूरी रात सोएगी नहीं है, हमारा खून पिएगी। मैं और विनीत पी रहे हैं एक एक छोटी छोटी सी बियर। तान्या पी रही है ऑरेंज का जूस, मिनट मेड पल्पी ऑरेंज। पिज्जा देखने में काफी अच्छा है, खा के हम आपको कल बताएंगे। ये है समुन्द्र, हल्की हल्की आवाज आ रही है लहरों की। बाकी जो सबसे बेस्ट चीज है वो ये है, यहाँ पे ओपन एयर थिएटर है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं और फिल्म एंजॉय कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं। तो ये चीज हमने देखा कि जब हम पूरा इस आइलैंड का सर्कल मार रहे थे अभी साइकिल पे, तो हमने देखा कि लगभग 2-3 जगह पे ऐसी मूवीज चल रही थी, तो ये बहुत सही चीज है। बाकी समय आ गया इस वीडियो को यहीं खत्म करने का, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।